बहुत ही आदर और सम्मान के योग इस राणा की इस पावन पवित्र धरा पर हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आए हुए मेरे सम्मानित पितातुल्य बुजुर्गों, माताओं और बहनों, हम उम्र नौजवान दोस्तों, कृषि प्रधान भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य अजीज प्यारे बच्चों, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं और मंचासीन जन नायक जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश इकाई के हमारे अध्यक्ष माननीय सरदार निशांत सिंह जी, पार्टी के वरिष्ठ साथी और राष्ट्रीय स्तर पे हमारे सेक्रेटरी जनरल बड़े भाई डॉक्टर केसी मांगड़ जी, वरिष्ठ हमारे उप प्रधान माननीय चौधरी तेलुराम जी, बहन फूलवती जी, आपके दोनों अजीज दुष्यंत और दिग्विजय, हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ साथी गुलाचीका के हमारे विधायक चौधरी ईश्वर सिंह जी, आपके मंत्री मेरे अजीज अनूप धानक जी, मेरे संघर्ष के कॉलेज के साथी भाई जोगीराम सिहाग जी, विधायक बरवाड़ा, आपके नरवाणा के विधायक सुरजा खेड़ा जी और वहीं के पूर्व हमारे विधायक इस जननायक जनता पार्टी को रास्ता दिखाने वाले भाई पृथ्वी सिंह जी, सबसे पहले जेल में जाकर के मेरा हाथ पकड़ करके मजबूती देने वाले दादरी के हमारे पूर्व विधायक भाई राजदीप फोगाट जी, दादरी के ही हमारे पूर्व विधायक और सरकार के रहे मंत्री चौधरी सतपाल जी सांगवान साहब, मेरी बड़ी बहन अनीता यादव जी, सम्माननीय चौधरी हर्ष कुमार जी, जुलाना के हमारे वो विधायक जिसको देख के मेरी भी छाती चौड़ी हो जाए, अमरजीत डांडा जी, एक घना बड़ा फन्ने खा बड़ा फिरा था उसने पटक के आए, और मेरे को मैंने इसको मिलते कहा भाई सबसे ज्यादा खुशी मेरे को दुष्यंत और उसकी माँ की भी बनन की को नहीं हुई जितनी तेरी बनन की हुई, क्योंकि उसको मैंने दो बार जबरदस्ती करके चौटाला साहब से लड़के टिकट दिलवाई थी और उसने सबसे पहले मेरी पीठ में छुरा मारा, जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा, प्रकृति का नियम है। मंच पर ऐसे ऐसे साथी और ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, किसका नाम लूं किसका छोड़ूं, पार्टी के सारे हीरे मोती जवाहरात साथियों, भाषण तो मेरे से पूरे बोलने वालों ने आपको दे दिए और सारी बात
सरकार जो कर सकती है वो दुष्यंत ने आपके बीच में बता दी। मैं तो सिर्फ बहुत लंबे टाइम के बाद आप लोगों से रूबरू होने के लिए आया हूं, आपके दर्शन करने आया हूं, आपसे मिलने आया हूं। जो स्नेह, जो प्यार, जो सत्कार, जो दुलार आपसे मिलता है, अब 59 साल की उम्र में भी अपना आप इन छोरों से भी ज्यादा फील करने लग जाऊं फिर। और नौजवानों को रोजगार देने की वजह से जो काया कष्ट भोगने का काम किया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, आज 85 साल की उम्र में काट रहे हैं, बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, अब वो भी उसी दरवाजे पे खड़े हैं जो भेजने वाले हैं। थोड़े दिन में उनने भी जाना पड़ेगा। और जिस तरह के हालात आज हैं आप देख रहे हो रोजाना कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का पूरे राष्ट्र के स्तर पे बिखराव हो रहा है। चौधरी ईश्वर सिंह जी ने बताया जो हम पे इल्जाम लगाने वाले लोग थे, तरह तरह की बातें करते थे, नुक्ताचीनी करते थे, किस तरीके से वो दलित के विरोधी हैं, किस तरीके की सोच उनकी है, ये उनके कर्मों ने बाकायदा साबित कर दिया। पहले तंवर को मारा और कल शैलजा को बलि का बकरा बनाने का काम किया। ये लोग तो बातें बातें करते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों से सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है। बुजुर्ग और नौजवान साथियों, 1.5 साल पहले जब पार्टी का बिखराव हुआ, उसके बाद लगातार आप लोगों ने कड़ी मेहनत करके, अथक प्रयास करके आज जननायक जनता पार्टी को राजभाग का मालिक बनाया। या जो 5-4 की कसर रह गई थी ना, या आगे ने पूरी कर दियो, यो कंप्लीट थारा ही होगा। महज 1.5 साल पहले आपने कंधों पर उठाया, अलग पार्टी बनाने का फैसला मुझे आपने सुनाया दिल्ली में जाकर। आपकी मेहनत ने इतिहास बदल कर रख दिया, संघर्ष ने किसान और कमेरे को चंडीगढ़ में बिठा दिया। जो जो बातें जननायक जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र के जरिए आपको कही है, उनको पूरी तौर पे ये आपका अजीज अमली जामा पहनाने का काम चंडीगढ़ में बैठ करके कर रहा। और जिस तरीके से चौधरी देवीलाल कहते थे ना, भाई अगर भाई कोई कमी लागे तो इस ओम का कान पकड़ लियोगा, तो भाई कोई कमी लागे तो इस दुष्यंत का कान पकड़ के खींच लियो, ये मैं अधिकार देता हूं आपको। ना रहने दी ना रहने देंगे किसी तरह की
आप कमी महसूस नहीं करेंगे, ये आपको विश्वास और भरोसा दिलाऊं। बेघर किए, बेदखल किए, बेनिशा किए, खाली हाथ बिना सहारे घर से निकाले दिए, रास्ता चुना संघर्ष का, चुनौती का, पसीने का, सच पर थे तो लाखों लोग आप हमारे साथ चल दिए, और उसकी वजह से ही, आपके हौसलों की वजह से ही ये उड़ान भरने का काम किया। आज जननायक जनता पार्टी इस पोजीशन में आई है। इसके लिए मैं तो आपसे यही गुजारिश करूंगा, राज के काम तो ये थारे सामने बैठे ये करने वाले हैं, और मंत्रिमंडल में भी आपका हिस्सा भी जल्दी हो जाएगा, और बोर्ड और कॉरपोरेशंस की चेयरमैनी भी जल्दी और हो जाएगी। वो चीजें तो चलती रहेगी, पर संगठन के सहारे ही सारा काम चलता है। आपके साथ हरियाणा प्रदेश के एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक इन सड़कों को कदम ताल करके नापने का काम किया, और उस संघर्ष का ही परिणाम है कि आज ये मौजूदा हालात है। पार्टी, संगठन, गठजोड़ पता नहीं कितने बड़े, राव वीरेंद्र सिंह जी ने बनाई, चौधरी बंसीलाल जी ने बनाई, चौधरी भजनलाल ने बनाई, कई और बीच में छोटे मोटे संगठन और पता नहीं क्या क्या बना, पर आज क्या वजूद है किसी का? तो वजूद उन्हीं का मौजूद रहता है जो लोगों के बीच में रहते हैं और अपने संगठन को प्रभावी और मजबूत रखने का काम करते हैं। हमारे प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी बैठे हैं, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि वो इस संगठन को फिर से एक अमली जामा नया पहनाने का काम करें। युवा, एनर्जेटिक, काम करने वाले लोगों को अपने संगठन में साथ रखें। जो भी निष्क्रिय है, आपको ये लगता है कि अजय अब काम का नहीं रहा, तो उसको कह दे भाई रिटायर हो जा। काम करने वाला ही आदमी संगठन में हो, तभी संगठन मजबूत होगा, तो आपकी ताकत बढ़ेगी। मैं ये विनती इनसे करूंगा और आपसे भी करूंगा, जननायक जनता पार्टी, पुरानी इंडियन नेशनल लोकदल, मैं एक दिन जेल में अंदर चौटाला साहब के पास था, बात कर रहे, आपस में करते रहते हैं, दुख सुख की भी बतला लिया, पार्टी की भी बतला लिया सारी। मैं को जी आपने 20 विधायक के साथ मेरे को भेजा था, एकला रह गया मेरे, और यो भी तब रह गया जब हमने विरोध नहीं किया। अगर हम जाके वहां इलाहाबाद में विरोध कर देते तो वो खाता भी नहीं खुलने वाला था। खुल जाता के नहीं? नहीं। इसलिए आप सबसे विनती है कि जब वो इनेलो वाले जितने भी पुराने साथी हैं, उनकी हरी पगड़ी पे या पीली सी और टांग दो थोड़ी सी, उनमें भी सब साथ जोड़ दो, सबको साथ लेके चलने से काम चलता है, सबको साथ लेकर के सम्मान बढ़ता है। इसलिए मेरी आप सबसे यही विनती और गुजारिश है कि उन सब साथियों को जोड़ो,
उनके अपने साथ लगा। करवाओ साहब करवाओ, बहुत बढ़िया। वहां पर एक कोई किताब, मेरे साथी हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं डॉक्टर महासिंह पूनिया जी, उन्होंने मेरे जन्मदिन पे ही ये बुक लिखी है, उसको रिलीज कर रहा हूँ। थैंक यू थैंक यू। शेरवाल जी, चौधरी पूरन सिंह जी, जिन जिन के नाम रह गए बुरा मत मानना, पीछे रह गए तो आप आए, अपना अपना जरूरी काम काज छोड़ करके मुझे जो प्यार जो स्नेह जो दुलार आपने दिया उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ, आपका आभारी हूँ, आपका धन्यवादी हूँ, और आभारी हूँ धन्यवादी हूँ मंचासीन पार्टी के तमाम नेताओं का, वरिष्ठ साथियों का। और हमारे दोनों पानीपत जिला के जो अध्यक्ष हैं, भाई सुरेश काला जी, भाई सुरेंद्र धोला जी, महिला अध्यक्ष गीता पालड़ी जी, महिला की हमारी प्रदेश अध्यक्ष शीला कहे कि मेरा नाम छोड़ दिया तुमने कहे, और अजीज देवेंद्र काजान जी, इनका भी सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।